बेहतरीन बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को बहुत बधाई देता हूँ। देशवासी को ठगने का काम फिर से बजट पर हुआ। पिछले तरह ही बजट में कुछ नहीं मिला बिहार को, कुछ भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेगा। देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखते हुए बजट बहुत ही सराहनीय है। बजट एक बुनियादी बदलाव लाने के लिए बजट लाया गया है। आज का जो बजट पेश हुआ है वो लॉन्ग टर्म को, मतलब इन फ्यूचर को देख के पेश हुआ है। पहला बजट हमने देखा कि महिला के लिए और बुजुर्ग के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग महिला उद्यमियों के लिए वैसा कुछ इस बार नहीं रहा। आम आदमी के लिए ये बजट नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए बजट है, ये पुरानी बोतल में नया शराब वाला मामला है। निर्मला सीतारमन जी ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे 7 लाख करोड़ का कर दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बजट एक संतुलित बजट है, न इसको बहुत अच्छा कहा जा सकता है न बुरा कहा जा सकता है। बेहतरीन बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को बहुत बधाई देता हूँ। इसमें आज इनकम टैक्स में जो पुरानी व्यवस्था थी उसको रखा गया है, टैक्स विवाद के लिए निपटारे के लिए 2 साल का समय नया मैकेनिज्म इसमें डेवलप किया गया है, आईटीआर में जो भूल सुधार है उसके लिए मैकेनिज्म हो जाएगा। उसके अलावा सरकार ने कई अच्छी चीज़ें इसमें की है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ाया जाएगा, इसके अंदर टेक्सटाइल और लेदर में बहुत बड़ी छूट दी गई है, ये एक बड़ा कदम है। इससे बिहार में टेक्सटाइल और लेदर के क्षेत्र में जो हम काम करना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बड़ा देशवासी को ठगने का काम फिर से बजट पर हुआ। पिछले तरह ही बजट में कुछ नहीं मिला बिहार को, कुछ भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेगा। बड़ा आश्चर्य है, आप कहते हैं कि 60 लाख नौकरी देंगे, रोजगार बनाएंगे। आप तो जब से 2014 में आपने कहा था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, कोई रोजगार आपने नहीं दिया। पिछले बजट में भी कुछ नहीं हुआ और इस बजट में भी आपने कुछ नहीं दिया। बिहार की उपेक्षा की गई है, बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और ये सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यह तो बीजेपी के प्रवक्ता रही हैं, भाषण देने में तो सबसे अधिक है इनका। आप देखिए पूरा बजट में लगता है ये भाषण दे रही हैं, कहीं कुछ नहीं किसी को, न बिहार को। अरे आप तो सीधे बोलिए कि आप तो रेल को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि रेल नहीं चलाएंगे, फिर रेल बेच क्यों रहे थे? हवाई सेवा आपने क्यों बेच दिया एयर इंडिया को? आपको सिर्फ देश को पीछे जाति उन्माद फैला के आप देश को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है, पूरे देशवासी निराश हुए हैं, खास करके बिहार, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार को कुछ भी नहीं है, जबकि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखते हुए बजट बहुत ही सराहनीय है। निर्मला जी ने देश को और मजबूत बनाने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत करने के लिए आगामी बजट जो पेश किया है वो हम सबों को स्वीकार है, सराहनीय है, और इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं आया है जो कि हम लोगों को स्वीकार नहीं है। बात यह है कि जब इतना खर्च हम चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें टैक्स तो देना ही होगा। जो लोग टैक्स के बारे में अपनी बात कहते हैं कि कोई डिडक्शन नहीं मिला, वो मेरे समझ में, मेरी विचार से गलत है। हम पैसा देंगे सरकार को तभी सरकार हमारे लिए करेगी। बिहार को क्या मिला? बिहार को देखिए, आपको दाल का उत्पादन के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है, आपके यहाँ डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। बिहार को आपने जो वायुयान की सेवा के लिए कहा वो स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी कहा जाएगा ऐसा आश्वासन है। ये बजट एक बुनियादी बदलाव लाने के लिए बजट लाया गया है। इसको अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे या बहुत रोजमर्रा के हिसाब से देखेंगे तो कोई वैसा प्रतीत नहीं होगा कि कोई लाभ है, लेकिन एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की कोशिश की गई है। एक बहुत दीर्घकालीन योजना लेकर सरकार चल रही है और चुनाव सामने है, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव को देखते हुए कुछ भी घोषणा नहीं की। डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, ये थोड़ी निराशा जरूर है। हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ न कुछ लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बढ़ाने की कोशिश सरकार करेगी, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने कुछ काम किया है और रियल एस्टेट और टाउन प्लानिंग वगैरह की जो बात इन्होंने की है कि टायर 2 और 3 सिटीज को
प्लान करके आगे के महानगरों के रूप में तब्दील करने का लिए एक हाई लेवल कमेटी की घोषणा उन्होंने की है, ये बहुत स्वागत योग्य है। आज का जो बजट पेश हुआ है वो लॉन्ग टर्म को मतलब इन फ्यूचर को देख के पेश हुआ है, मतलब उसका कोई भी अभी मतलब तुरंत से कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा उसका, और किसी को भी मतलब एक स्पेसिफिक किसी भी चीज किसी भी समाज को या किसी भी इंसान को एक स्पेसिफिक वे में खुश करने का कोशिश नहीं किया गया है। 5 साल में ये पहला बजट हमने देखा कि महिला के लिए और बुजुर्ग के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो सामाजिक न्याय के अगेंस्ट का बजट हम बोलेंगे। 2-3 बात अच्छे लगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का आप कोशिश कर रहे हैं, आप 20,000 किलोमीटर रोड बनाने का बात कर रहे हैं जिसमें 25,000 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं, आप बिल्डिंग फंड में 40,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का आप बात कर रहे हैं, लेकिन रोड मैप जो दिखना चाहिए कि किस तरह से आप करेंगे। अभी भी 6.9% का वित्तीय घाटा का बजट आ रहा है और 2025 तक आप कह रहे हैं कि वित्तीय घाटा को हम 4% तक ले आएंगे, तो उसमें इनकम जनरेशन का अभी भी हम कहेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट पे ही आप जोर दे रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स आप ले रहे हैं, ये एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है। हमको जो अच्छा लगा बजट में एक बात है कि शहरीकरण के लिए बिल्डिंग बायलॉज एवं शहरी लॉज जो भी बने हुए उसको फिर से आप स्ट्रक्चर देने का बात कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं, किसी तरह का उसमें इम्पेटस नहीं आ रहे हैं, या आप कहें कि अभी आप डिजिटल स्कूल जो पीएम विद्या चैनल का बात कर रहे हैं कि 200 हम चैनल बनाएंगे, उसका अवेलेबिलिटी कहां तक पहुंचेगा, कहां वो एक्सेस कर पाएगा आदमी, उसका बात आप नहीं कर रहे हैं। तो आपका चैनल करने से खाली वो फिर वही बात हो जाएगा कि हम जो है वो कागज पे काम कर रहे हैं, तो ये एक हम कहेंगे दिशाहीन, अगर नहीं भी कहेंगे तो दिशा रहते हुए भी उस दिशा कैसे हासिल करेंगे ये हमको इसमें समझ में नहीं आया। हम महिला उद्यमियों का एक उम्मीद रहता है हमेशा की तरह कि कुछ ना कुछ हम लोगों को मिलेगा, और क्योंकि हम महिला उद्यमी बहुत मुश्किल से किसी चीज को करने के लिए आगे आते हैं, जिस वजह से एक उम्मीद हम लोगों के साथ सबसे पहला रहता है कि हम एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद ही कुछ सोचते हैं, लेकिन हम लोग महिला उद्यमों के लिए वैसा कुछ इस बार नहीं रहा, और जो हम लोगों की उम्मीद थी कि हम लोग कुछ और भी कर पाएंगे या हम लोगों के लिए कुछ खास हो, तो ऐसा कुछ बजट में नहीं रहा, ये हम महिला उद्यमों के लिए निराशजनक बातें हैं। बिल्कुल पूरी तरह से ये आम आदमी के लिए ये बजट नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए बजट है, ये पुरानी बोतल में नया शराब वाला मामला है, इसमें गरीबों और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिला, नहीं रोजगार के बारे में कुछ कहा गया है, न किसानों के बारे में कुछ कहा गया है, और नहीं जो आज जो चल रहा है कोरोना काल में, नहीं हमारे पास ऑक्सीजन का कोई प्रावधान दिया गया है, नहीं अच्छे हॉस्पिटल खुले हैं, न खोलने की कुछ कोई चर्चा है, सिर्फ ये छलावा है, आम जनता को छला गया है इस बजट में। जो बजट पेश हुआ है उसमें युवाओं के स्तर पे जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंडअप इंडिया है, उसके ऊपर जो टैक्सेशन है उसको 1 साल के लिए और एग्जम्प्ट किया गया है, जिसके कारण युवा और बढ़ चढ़ करके भारत की उन्नति में अपना भागीदारी दें। उसके अलावा निर्मला सीतारमन जी ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे 7 लाख करोड़ का कर दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक्सपेंडिचर हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे देश का उतना बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण काफी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, काफी आपकी चीजें सुधरेंगी और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट होगा। सीपैक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जिसके कारण हो सकता है आने वाले टाइम में आपको रेल और रोड मार्ग के अलावा आपको पानी वाला जो मार्ग है, जल मार्ग जो है, उसके ऊपर काफी कुछ आपको देखने को मिले और वहां इंडिया काफी बढ़ोतरी करे और उसके कारण काफी सारे एक्सपेंडिचर्स जो हमारे हैं वो कम हो सके। तो इसके केवल इस साल का बजट नहीं देख करके अगले 25 साल का विजन लेकर के जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बजट जो प्रधानमंत्री मोदी जी के अगुवाई में दिया गया है ये आज के लिए नहीं है, अगले 25 सालों के लिए है और इंडिया को आगे और बेहतर बनाता चलेगा। बजट एक संतुलित बजट है, न इसको बहुत अच्छा कहा जा सकता न बुरा कहा जा सकता है। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बजट पेश किया गया है। भविष्य में कई अच्छी योजनाएं सरकार ने दी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, लोगों को अपेक्षा थी कि आयकर में इसमें छूट मिलेगी, जो कि पिछले कई सालों से आयकर में छूट नहीं मिल पा रही है। मैं आयकर अधिवक्ता होने के नाते यह बात कह सकता हूँ कि आयकर की सोच से
इनकम टैक्स के मुद्दे के हिसाब से यह बजट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी संतुलित बजट है और लोगों की अपेक्षा पर यह खरा नहीं उतर रहा है।